ये हाथरस में जो घटना हुई भगदड़ के दौरान जो हुई, तो वो आप उसे की गलती है, वो जनता की गलती है। परमात्मा ने कभी नहीं कही है मेरे चरणों की धूल लो, कभी नहीं कही है। ये तो जनता है, एक दूसरे पे भाग दौड़ करी है। हम तो माठिया पे आते इस वक्त मैं केदारनगर में मौजूद हूँ, वही केदारनगर जहाँ से जो साकार हरि बाबा हैं उन्होंने अपनी शुरुआत की थी, वहीं से वो प्रवचन देते थे। और आगरा के इस इलाके में सैकड़ों भक्त हैं, खासकर महिलाएं उनके अनुयायी हैं, वो हर मंगलवार को यहाँ आती हैं। और इसी कुटिया के सामने, जिसे अब ये लोग कुटिया कहते हैं, आप तस्वीरों में एक बार मैं दिखा भी दूँ, देखिए ये तमाम इस इलाके की महिलाएँ हैं जो यहाँ आकर कुटिया के सामने नमन कर रही हैं और यहाँ प्रार्थना करती हैं। और इसे लोग अब घर कम मंदिर ज़्यादा मानते हैं। केदारनगर के ये तमाम लोग हैं, बहुत सारे अनुयायी हमारे साथ हैं, इनसे भी बात कर लेते हैं। पहले तो आप बताइए, ये बताइए कि आप बाबा जी के कब से भक्त हैं? हमने हो गई करीब 20 साल। अच्छा। 20 साल हो गई और परमात्मा ने इतना जीवन दान दिया है, कुछ बचवे की आस नहीं है, पूरा कंठ विश्वेल ने घेर लिया। और सात संगत के चरणों में जादना से जुड़ी हूँ, जादना से खुश मंगल है। कई लोग बाबा के चमत्कार की बात करते हैं, चमत्कार है प्रभु के। देखो हम तो साधारण आत्मा है, प्रभु और परमात्मा ने जे दिया है कि इतना जीवन दे दिया, इसे बढ़ के और कौन सी चीज़ है? चमत्कार का है कि जल पी रहे हैं और का है परमात्मा। एक बात बताइए, हाथरस में जो घटना हुई भगदड़ के दौरान जो हुई, तो वो आप उसे की गलती है, वो जनता की गलती है। परमात्मा ने कभी नहीं कही है मेरे चरणों की धूल लो, कभी नहीं कही है। ये तो जनता है, एक दूसरे पर भाग दौड़ करी है। हम तो माठिया पे आते, हाँ बाबा माँ आते, हम गए हैं भीतर तो जैसे आरती बुली है परमात्मा, गए हैं निकल के नहीं, हम बाहर निकल आए हैं। हादसा जो हो गया, 122 लोगों की मौत हो गई, अब ये बताइए कि बाबा की आप जो भक्त हैं आप, तो आपकी श्रद्धा में कमी है या उतना ही अभी भी अटूट विश्वास है? हमें तो अभी भी परमात्मा है और रहेंगे हमारे परमात्मा। कहेंगे भैया ये जो हादसा हुआ उसके बाद से बाबा की भक्ति में कमी आई, आप बताएंगे कुछ? आप बाबा के भक्त हैं, मुझे ये बताइए, बाबा ने यहीं से शुरुआत करी, आप इसी जगह रहते हैं, हाथरस में जो कांड हो गया, 122 लोगों की मौत हो गई, उसके बाद से तमाम लोग बातें कर रहे हैं इंटरनेट पर, खबरों में, आप बताइए बाबा की भक्ति आज भी उतनी करते हैं या फिर कुछ कमी आई? देखिए ये तो अपनी अपनी सार्था के मतलब होती है, जैसे कोई आस्था रखता है, क्या है कि न तो परमात्मा जो है आस्था कम होगी न कभी हुई थी। क्या है कि परमात्मा हमारे हैं, वो केवल नारायण सागर हरि जी हैं और वो ब्रह्मांड के कुल मालिक हैं, जो ये पूरी संस्था है वो उन्हीं की है। अब आप मीडिया वाले क्या कहते हैं क्या नहीं कहते हैं इससे हमें कोई फ़र्क नहीं पड़ता। कब से आप सत्संग से जुड़े? मेरे को करीब 10-11 साल हो गए, ये मेरी पत्नी है और ये भी उस दिन गई थी वहाँ पर, ये बता रही थी कि उसमें कोई ऐसा काम जो बाबा के आशीर्वाद से आपका पूरा हो गया। आइए आइए, बाबा के नारायण सागर जी के आशीर्वाद से हम इस समय जिंदा हैं। कैसे ये सोच लीजिए, क्योंकि हम किसी प्रेत आत्मा ने ऐसा दबाए रखे थे कि बचने की उम्मीद नहीं थी। कब की बात है ये? तो करीब 10-12 साल से पहले की बात है। अच्छा। जिस दिन से हम जुड़े हैं और परमात्मा की शरण में आए हैं उस दिन से हम खूब खाना पीना खा रहे हैं, खूब चल फिर रहे हैं। क्या करते हैं, क्या सुनना? मेरा नाम रवि कुमार है और मैं बिचपरी रहता हूँ, प्राइवेट नौकरी, वो प्राइवेट काम है मेरा। ये कह रहे हैं कि भूत प्रेत का चक्कर था बाबा का, जब से हम जुड़े हैं वो ख़त्म हो गया, ठीक है? वो ठीक है भैया, और भूत आत्मा प्रेत आत्मा मेरे पे ही रहती थी, मेरी दो बच्ची दो, हम चारों खटियां पड़े रहते थे, कोई पानी पियाने वालों नहीं आते हमें, और हमें बम भबकते ही रहते, रोते ही रहते। आप थी भाई जो 1-2 जुलाई को सत्संग? हाँ मैं गई थी, हम बहुत जने गए थे, 5-6 जने एक ही जगह थे गए थे बिचपुरी से। अभी बताइए कि उस घटना के बाद जो लोग कह रहे हैं कि 122 मौत हो गई, लोग बाबा पे भी इल्ज़ाम लगा रहे हैं, आप बताइए आप उसकी अनुयायी हैं तो उनकी भक्ति में आपको अभी कमी हुई है या फिर वैसे ही मानती हैं जैसे पहले मानती हैं? कोई कमी नहीं भैया, हम कल भी वही मानते थे, आज भी मानते हैं। आपको बताया 10-12 साल से हम जुड़े हुए हैं, 10-12 साल के अंदाज में हमने ये पहली बार का चांस देखा है, अन्यथा ऐसा कभी पहले कभी नहीं हुआ था।